सवारियों को बैठाकर गन पॉइंट पर लूटपाट करने वाले इंटरस्टेट गैंग के दो लोगों को गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से एक कार और भारी मात्रा में एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। आरोपी गाजियाबाद से गुरुग्राम सिर्फ लूटपाट करने आते थे। गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो आरोपी हैं जो सवारियों को लिफ्ट के बहाने गाड़ियों में बिठाकर गन पॉइंट पर लूटपाट किया करते हैं और एटीएम कार्ड लेकर जबरन पासवर्ड पूछकर उनके खाते में सेंधमारी कर आसानी से फरार हो जाते हैं। और पुलिस बाद में लगातार जांच करती है, लेकिन अब गुरुग्राम पुलिस ने जब इन आरोपियों को गिरफ्तार किया तो पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए, जिसमें ये आरोपी केवल वारदात को अंजाम देने ही गुरुग्राम में आते थे और उसके बाद ये वापस गाजियाबाद फरार हो जाते थे। आरोपियों की पहचान गाजियाबाद के रहने वाले संदीप और सुमित के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है कि इनके गैंग में और कितने लोग शामिल हैं। गुरुग्राम पुलिस की पूछताछ में इन आरोपियों ने गुरुग्राम की 4 वारदातों को अब तक कबूला है, जबकि गुरुग्राम के साथ फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में इस तरह की दर्जनों वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से ये आरोपी पहले भी लूटपाट की वारदात के आरोप में जेल की हवा खा चुके हैं। पुलिस ने इनके पास से भारी संख्या में एटीएम कार्ड और अवैध हथियार सहित कार भी बरामद की है। अब इस कार की जांच की जा रही है कि ये चोरी की थी या फिर नहीं। सवारी शोर न मचाए और विरोध न करे, इसके लिए ये लोग सवारी के मुंह पर टेप लगा देते और हाथ पांव बांध देते थे, ताकि आराम से ये अपनी वारदात को एक सफल तरीके से वारदात बना सके। लेकिन पुलिस ने आखिरकार इन आरोपियों को दबोच ही लिया। अब जहां एक तरफ पुलिस इनकी गैंग के दूसरे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो वहीं इनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली एनसीआर में इस तरह की वारदातों में कमी आने की उम्मीद भी बढ़ गई है। ऋषभ ठकराल, गुरुग्राम, सीएमएन। 14 तारीख को क्राइम टीम सेक्टर 39, जिसके यूनिट हेड वरुण कुमार हैं, इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि जो गाड़ी में बैठा कर और एटीएम कार्ड से एटीएम से पैसे निकालते हैं लोगों के, वो बंदे कैप्चर हो सकते हैं। तो इस सूचना के आधार पर इन्होंने ट्रैप लगाया और इन दो आदमियों को वहाँ से गिरफ्तार किया। एक का नाम जिसका सुमित है, दूसरे का संदीप है। ये हाईवे फेज 2 उद्योग विहार सेक्टर 29 में तकरीबन गुड़गावा में इन्होंने वारदातें की हैं। अभी तक पुलिस स्टेशन सदर गुड़गावा, उद्योग विहार, DLF फेज 2 और सेक्टर 37 की वारदातें इन्होंने कबूली हैं। इनसे एक वेंटो कार मुंह पर टेप लगाकर, अगर वो जो विक्टिम है शोर ना मचाए इसलिए वो, और एक गाड़ी, एक पेचकस जिससे ये गोली मारने की धमकी देकर डराते थे, और उसे एटीएम कार्ड लेके और किसी भी एटीएम कार्ड से उसका पैसा निकाल लेते थे। अभी तक इनके पूछताछ में ये 4 वारदात आई हैं और इसके बाद आज इनका रिमांड कोर्ट से लिया जाएगा। उसके बाद और भी काफ़ी दर्जनों वारदातें इनसे पता लगने की उम्मीद है और उसी के अनुसार इनसे और भी रिकवरी की गई। ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं दोनों, तकरीबन 25-25 28-28 साल की उम्र है इनकी। पहले आपराधिक मामले भी दर्ज हैं इनके? हाँ, दिल्ली में ये जो 2017 में ये इसी क्राइम में, दिल्ली के क्राइम में गया था और जनवरी के महीने में ये उस जेल से वापस आया बेल पे, और इसी साल जनवरी में, और फिर दोबारा ग्रुप बनाकर इन वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। दोनों नहीं, इनमें से एक जो सुमित है ये, और सामने आई। यस, इसमें एक और अपराधी है जो अभी हाथ नहीं आया है, उसका नाम मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पुलिस उसके पीछे है और उम्मीद है कि आज कल में ही वो भी राउंड अप हो जाएगा। वो भी गाजियाबाद का ही है? हाँ, वो भी गाजियाबाद। किस तरीके से
इसमें सुमित जी ये जब गाजियाबाद से चलते थे तो इसी तरीके से दिल्ली में लिफ्ट देने के बहाने और वहाँ से भी ये वारदात करते हुए आते थे और यहाँ जैसे हमारे कॉल सेंटर्स हैं उनकी जो शाम को छुट्टी होती है या सुबह 6 बजे इस काम पे निकल लेते थे ये सुबह से और शाम तक ये कुछ वारदात गुड़गांव में दिल्ली में मौका लगा तो दिल्ली में इस तरीके के बताया गया अंतर्राज्य ग्रोह और अभी तक इन्होंने 4 कबूली है अब रिमांड लेंगे तो और पूछताछ करेंगे तब आ रहे हैं कितने महीने से कर रहे हैं ये जनवरी से लेके अब तक इंटरनेशनल गैंग है इंटरस्टेट हाँ इंटरस्टेट गैंग है जैसे दिल्ली में फरीदाबाद में यूपी में और यहाँ ये सक्रिय था